नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है astroswamiji.com में। दर्शकों, आज हमारा विषय है बहुत प्रसिद्ध और बहुमूल्य रत्न माणिक्य के संदर्भ में। माणिक्य क्यों पहना जाता है, इसको कब पहनना चाहिए, इसके क्या लाभ है और क्या हानि हो सकती है। तो ये वीडियो आप अंतिम तक देखिए क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, ताकि आपको माणिक्य से संबंधित सभी जानकारियां आसानी से प्राप्त हो सके और आपके सभी प्रश्नों का निवारण हो सके। तो दर्शकों, प्रारंभ करते हैं माणिक्य के संबंध में। दर्शकों, माणिक्य रत्न ग्रहों के अधिपति सूर्य का रत्न है और सूर्य को जगदात्मा भी कहा जाता है। सूर्य ग्रह अग्नि प्रधान होते हैं और उग्र होते हैं। माणिक्य रत्न की प्राप्ति समस्त संसार में सबसे अधिक जो है बर्मा, श्रीलंका, चीन, भारत, अफगानिस्तान इत्यादि में पाया जाता है। माणिक्य एक खनिज रत्न है, मतलब कि जो खानों से प्राप्त होता है। इसके कई प्रकार के कलर होते हैं, परंतु जो चमकदार जो कलर इसका माना जाता है, चमकदार मेजेंटा कलर और मेहरून कलर, वह सबसे अच्छा माणिक्य कहा जाता है। यह एक, जैसे कि पहले कह चुके हैं कि खनिज पदार्थ है, और सबसे अच्छा माणिक्य बर्मा का माणिक्य कहा जाता है। असली माणिक्य की पहचान है कि यदि आप उसको पानी से भरे हुए कांच के पात्र में रखेंगे तो आपको उससे कुछ किरणें निकलती हुई, रक्त लाल रंग की किरणें निकलती हुई प्राप्त होंगी। सूर्य के प्रकाश में चांदी की प्लेट में यदि असली आप माणिक्य रखते हैं तो जो प्लेट की जो आभा है वो लाल रंग वाली हो जाती है। माणिक्य को हाथ में रखने से ये थोड़ा सा पत्थर के जैसे, क्योंकि पत्थर ही होता है तो भारी सा भी लगता है। यदि आप इसको कभी कांच के पात्र में रखते हैं तो इससे आपको कुछ किरणें जो है लाल कलर की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। देखिए दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, खास करके आपका जो जन्म है वो सितंबर महीने में हुआ है, तो सूर्य के कमजोर होने से व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो भी कमजोर हो जाता है। तो सूर्य की कमजोर स्थिति के लिए जो है माणिक्य को पहनना काफी अच्छा माना जाता है। जिन भी किसी जातक का जन्म 11 तारीख से लेकर के और 20 तारीख के बीच हुआ हो उनको माणिक्य पहनना चाहिए। 15 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि में होते हैं। जिनकी तुला राशि है उनके लिए माणिक्य अति उत्तम होता है। माणिक्य व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता को भरता है और हमारे जीवन में जो नकारात्मकता है उसको समाप्त करता है। माणिक्य पहनने से आपके अंदर का आत्मविश्वास बहुत ही ऊंचे लेवल पे हो जाता है। माणिक्य सबसे अच्छा माना जाता है अधिकारियों के लिए, और राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं वह इसको धारण कर सकते हैं। यदि आप IAS IFS ऊंचे लेवल के अधिकारी बनना चाहते हैं, आपका भाग्य कमजोर है या सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है, तो आपको जरूर माणिक्य पहनना चाहिए। यदि आप पॉलिटिक्स में ऊंचे क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भी माणिक्य आपके लिए बहुत ही असरकारक रहने वाला है। हाँ, यदि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल पहले से ही उच्च के हैं तो आपको माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। यदि आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो भी आपको माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। आपको बहुत अधिक क्रोध आता है और अपने शब्दों का सही से आप उच्चारण नहीं कर पाते हैं या फिर अपना आपा खो देते हैं क्रोध के कारण, तो भी आपको माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए। माणिक्य को हमेशा रविवार के दिन धारण करना चाहिए और प्रभात काल में सूर्य उदय के समय में 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करके सोने में या फिर चांदी में माणिक्य रत्न बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को कम से कम 5 कैरेट का जो है माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। माणिक्य के कुछ उपरत्न भी हैं सूर्य ग्रह के लिए, यदि कोई, क्योंकि माणिक्य बहुत ही बहुमूल्य होता है जो इसको नहीं पहन सकते हैं, तो उसके लिए लाल मणि या फिर तांबड़ा नाम का जो रत्न होता है उसको माणिक्य के उपरत्न के रूप में धारण कर सकते हैं। तो दर्शकों, रत्नों की श्रृंखला में ये हमारा वीडियो था माणिक्य रत्न के ऊपर कि इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव है, क्यों इसको पहनना चाहिए। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो
तो कृपया आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको माणिक्य रत्न यदि चाहिए तो आप astroswamiji.com से स्टोर पे जाकर के आप खरीद भी सकते हैं, वहां पर आपको अच्छी क्वालिटी का माणिक्य प्राप्त हो जाएगा। दर्शकों, एस्ट्रो स्वामी जी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर आप सेंड कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।